जिला सहकारी बैंक में संचालक मंडल के चुनाव का असर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के ताजपोशी के बाद साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मैदान से बाहर हो चुके दिग्गजों द्वारा अब संचालक मंडल को भंग कराने की कोशिशें देखने को मिल रही हैं, जिसमें बड़ा ही नाटकीय मामला सामने आया है। बोर्ड के एक डायरेक्टर अंबिका प्रसाद तिवारी ने मंगलवार को अपना इस्तीफा अध्यक्ष को दिया था, जिन्हें बुधवार को गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बुधवार को अपना इस्तीफा वापस लेने आवेदन दिया। अनजान लोगों के प्रभाव में आकर के और गलती से इस्तीफा कर दिया था। उन लोग बार बार इस्तीफा के लिए ही बोल रहे थे, गलती से इस्तीफा हो गया था और मुझको बाद में स्वयं यह एहसास हुआ कि भाई इस्तीफा देना उपयुक्त नहीं है। तो कृषकों के हित को देखते हुए और पूर्णकालिक अब डायरेक्टर के रूप में जो चयनित किया गया है उस कालखंड को पूर्ण करने के लिए अब मैं इस्तीफा अपना वापस ले लिया हूँ। जिला सहकारी बैंक में हुए इस नाटकीय घटनाक्रम के पीछे बड़ा राजनीतिक दबाव होने की बात कही जा रही है। वहीं बैंक के सीईओ ने इस मामले में उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लेने की बात कही है। उनके इस्तीफे का प्रतिवेदन हमने पंजीयक सहकारी संस्थाएं को भेज दिया है कल ही, और आज फिर ये जो उन्होंने इस्तीफा वापस लिया है इसका भी प्रतिवेदन हम उनको भेज रहे हैं। मार्गदर्शन हमने मांगा है, जो भी मार्गदर्शन उच्च विभाग से आएगा, राज्य कार्यालय से आएगा पंजीयक से, तदनुसार पंजीयक सहकारी संस्थाएं जो कि मेन ट्रस्टी हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के, सहकारी संस्थाओं के सबसे प्रमुख अधिकारी हैं, तो उनसे दोनों स्थिति को भेजते हुए हमने जानकारी मांगी कि साहब इसमें जो भी वस्तु स्थिति या जो भी भविष्य में होना है स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें। फिलहाल इस मामले में अंतिम निर्णय संचालक मंडल के पास है, लेकिन इस घटना के बाद यह जरूर कहा जा रहा है कि इस बार पूरे कार्यकाल के दौरान कई अड़चनों का सामना संचालक मंडल को करना होगा। कैमरामैन राकेश साहू के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज़ बिलासपुर।